Hello, good morning, friends. How are you? Have a nice day. Hope you all okay. आज हम चिकन का एक स्नैक्स बनाने वाला है. आई होप यू विल एंजॉय विथ माई वीडियो एंड माई रेसिपी. हैव अ नाइस डे. प्लीज वॉच टिल एंड माई वीडियो. ओके, इसके लिए हमने लिया इधर अभी एक ये छोटा बाउल में चिकन लिया. चिकन फूटी हुई मिर्ची और नमक डाल के उसको बना कर रखा है. और ये मिक्स वेजिटेबल है, कैरेट है, बीटरूट है, बीन्स है, सब थोड़ा थोड़ा है. और ये कैप्सिकम है और ये दो ओनियन. ओके, दिस इज द इंग्रेडिएंट्स. नाउ आई विल शो यू एंड आई वांट टू टेल यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट. प्लीज लाइक एंड शेयर, कमेंट. प्लीज डोंट फॉरगेट बाय लाइक हैंड. ओके, अभी हम ये सब्जी सब जरा भूनने के लिए रखेगा. अभी इसमें थोड़ा तेल ऐड करेगा. एक टेबल स्पून तेल ऐड किया. और इसमें आपको मालूम है हम हमेशा कलौंजी ऐड करते हैं. अभी कलौंजी, अभी एक बॉल प्याज हमने ऐड किया. हम बोला तीन छोटा प्याज था वो, ठीक है, इसमें ऐड किया. इसमें मिक्स वेजिटेबल ऐड किया, कैरेट, बीन्स, मटर, ग्रीन पीस. अभी एकदम थोड़ा नमक इसमें ऐड किया. अभी ये मिक्स वेजिटेबल हम भून रहे इसके लिए, इसका कच्चा स्मेल जाने के लिए, नहीं तो स्नैक्स में कच्चा स्मेल पकड़ेगा. सो ये अभी भून रहे, अभी इसका कच्चा स्मेल निकल रहा है. मीन्स अभी इसका कच्चा स्मेल गया, फिर भी मैं थोड़ा और भी भूनने का. इसके बाद इसमें कैप्सिकम ऐड करेगा. अभी इसमें कैप्सिकम ऐड किया, इसमें टेस्ट के लिए हम अभी ऐड किया थोड़ा गरम मसाला, यानी क्वार्टर के नीचे भी क्वार्टर टीस्पून से कम. अभी एक तो हो गया, अभी एक दो सेकंड में बंद करेगा ये. हमने पहले बताया आपको, हमने चिकन अच्छा से भून कर रखा, मतलब बॉयल करके रखा, कुटी हुआ मिर्ची और नमक अदरक लहसुन डाल के. अभी देखो ये सब हम तैयार किया. हम बोला चिकन उबाल के लाया था और सब बाजी वगैरह सब लेके आया था. अभी तीन अंडा, कॉर्नफ्लावर दो टेबलस्पून, और हमने इसमें ऐड किया अभी थोड़ा नमक. सब में नमक पहले भी ऐड किया था, इसके लिए अभी इसमें थोड़ा ऐड किया. नमक हमेशा हम बोल रहे आपका टेस्ट के हिसाब से ऐड करने का. ओके, और साथ में थोड़ा एक ग्रीन चिल्ली कट करके रखा, बस उतना ही है. अभी इसको अच्छा से मिक्स करने का. अभी देखो हम अच्छा से ये मिक्स किया. अगर आपको मिक्स करने का टाइम ज़्यादा थिक लग रहा है, आप एक काम करने का, एक अंडा ऐड कर सकते हो आप इसमें. ओके, अभी हमारे हिसाब से ये सब बराबर है. फिर भी हम आपको बोल रहे हैं, अगर थिक लग रहे तो आपको आपके इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा लगा, आप ज़रूर अंडा ऐड करने का. ओके, अभी हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया. अभी इसमें तेल और तेल डालेगा, बस एक टेबलस्पून तेल हमें ऐड किया. आपको मनते तो आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं, घी ऐड कर सकते हैं. That's all up to you. अभी हमारा तेल गर्म हो गया, तेल में हम ये ऐड कर दिया. ये देखो अभी ये थोड़ा थिक हो जाएगा, मतलब थिक चाहिए इसके लिए हमने छोटा पैन रखा. अगर आप बड़ा पैन रखेंगे तो इतना थिक नहीं मिलेगा. हमको अभी ये थिक वाला चाहिए, इसके लिए हम बड़ा पैन रखा. ओके, ये हमने अभी इसको पलटी कर दिया. अभी देखो हम इसको कट करके रखा है. अभी इसको खाने के टाइम फ्राई करने का, वो आपको बताएगा कैसे करने का. इसको ज्यादा बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जब भी चाहिए तो आपको बना रेडी करके खा सकते हैं. ओके, आई विल शो यू
ओके, चिकन स्नैक्स। अभी हमारा चिकन स्नैक्स फ्राई करने के लिए पैन रखा हम, ये हम डीप फ्राई नहीं कर रहे क्यों, ये ऑलरेडी कुकड है। ओके, ऑलरेडी कुक है ये हमारा स्नैक्स। ओके, ब्रेड क्रम्स और अंडा उसमें हम फ्राई कर रहे हैं। ये अभी तेल में डाल दिया, इसका शेप है, डायमंड शेप है। ये चिकन स्नैक्स है, आप चाय का साथ खा सकते हैं शाम में, अगर आपको कोई गेस्ट आया उनको भी सर्व कर सकता है। ये देखो ये इतना तिक्का होता है स्टीम कबाब में। ओके, ये देखो ऐसे गोल्डन फ्राई हो रहा है अभी, इसको हम पलटी किया। ओके, अभी ये तैयार हो रहा है, ज्यादा पकने का नहीं इसको, हमने बोला ऑलरेडी हमारा चिकन वगैरह कुक हो गया था। ये देखो इसका थिकनेस देखो, ये हमारा चिकन स्नैक्स रेडी हो गया, मिक्स वेजिटेबल विथ चिकन, चिकन स्नैक्स। ये आप खा सकते हैं टमाटर सॉस का साथ और एनी सॉस यू कैन यूज। इट्स रेडी टू ईट। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट बेल आइकन, लाइक एंड शेयर प्लीज। Thank you for watching my video. Have a nice day. God bless you. See you.